नमस्कार दोस्तों, आप लोग का रिपोन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के यानी कि DDU गोरखपुर का रिजल्ट एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि जो लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं उन लोगों को, थर्ड ईयर वालों को नया एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए वो लोग रिजल्ट को लेकर बहुत ही काफ़ी परेशान हैं। और बाकी देखिए कि फर्स्ट ईयर का भी, फर्स्ट ईयर तो सेमेस्टर वाइज हो गया, फिर भी उन लोगों का भी रिजल्ट नहीं आएगा, आया है तो फिर फर्स्ट ईयर का तो रीज़न ये है कि अभी तक वाइवा वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से रिजल्ट रुका पड़ा है। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी रिजल्ट के बारे में मैं बता दूं तो देखिए कि अभी बीएड जो सेकेंड ईयर है इसका एग्जाम चल रहा है, इसके वजह से सारे टीचर्स जो भी हैं कार्यकर्ता लोग लगभग उसमें फंसे हुए हैं, उसके पेपर और भी जो भी चीज़ें हैं उसके प्रोग्रामिंग के बारे में फंसे हुए हैं, तो इसकी वजह से अभी रिजल्ट की तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो फिर इसी के वजह से मैं बता दूं कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों का वाइवा भी रुका हुआ है, तो सब मिला जुलाकर बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम को इशू माना जा रहा है। अब देखिए कि बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम 29 तारीख तक है, इसके बाद से आपको यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जहां तक अनुमानता है कि आ जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो फिर अब देखिए कि उसके बाद से क्यों ये फर्स्ट वीक में आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उधर जा करके बीएड में जो लोगों ने एडमिशन दिया है उनका रिजल्ट वगैरह भी बनने लग रहा है, और उसके बाद से वहाँ तक काउंसलिंग उनका होने लगेगा, लगभग उस समय तक प्रक्रिया चालू होगी। तो फिर जब बीएड आप बीए का जब आपके पास रिजल्ट नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे आप फंस जाएंगे, तो काउंसलिंग वगैरह में दिक्कत होगी, तो इसकी वजह से DDU उससे पहले, काउंसलिंग से पहले अपना रिजल्ट घोषित कर ही देगा बीएड की काउंसलिंग से पहले। तो यही था नोटिस दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो फिर एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर एक नोटिस मैं आप लोग को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से और ऑथेंटिक और रियल न्यूज बताने का कोशिश करता हूँ और बताता भी हूँ, लोग मेरे वीडियो को पसंद भी करते हैं। तो फिर यदि कोई नोटिस आती है तो फिर मैं आप लोगों को एक बार जरूर बताऊंगा इसके बारे में DDU से रिलेटेड। चलिए, तब तक के लिए आप भी अब आराम करिए, क्योंकि अभी रिजल्ट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। धन्यवाद दोस्तों।